रायसेन जिले की तहसील गैरतगंज के ग्राम पंचायत बिलगवा के ग्रामीण पानी की किल्लत से जूझ रहे हैं। आपको बता दें कि गांव में 3 हैंडपंप हैं, वे भी खराब हो चुके हैं, जिससे मजबूरी में गांव की महिलाएं सिर पर बर्तन रखकर पहाड़ की तराई में बने खेतों की ट्यूबवेल से पानी की ढुलाई करने के लिए मजबूर हैं। हालांकि प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर प्रभुराम चौधरी ने जल जीवन मिशन के तहत नल जल योजना मंजूर की है, जिससे जल्द ही यहाँ के हर घरों में नल का पानी पहुँचेगा। गांव की महिलाओं ने बताया कि गांव में पानी को लेकर गांव में त्राही त्राही मची है। इस समस्या के निदान के लिए सिलारी गांव की महिलाएं पीएचई विभाग के गेट पर धरना दिया है, जिसके बाद पीएचई विभाग के एसटीओ गिरीश कांबले और वारपटे ने उनको आश्वासन दिया है। तब कहीं जाकर नाराज महिलाएं धरने से उठी। आपको बता दें कि इस गाँव में लगभग 1500 की आबादी रहती है और यहाँ से गुजरती नदी का पानी किसानों ने खेतों में फ्लेवर करके खींच लिया है। वहीं तालाब का स्टॉप डैम का पानी भी सूख चुका है। इस वजह से मजबूरी में ग्रामीण महिलाओं को दूर दराज के खेतों के जल स्रोतों से सिर पर बर्तन रखकर पानी की ढुलाई करना पड़ रही है। ने किया था कि मेरे को बोट दे दो, मैं पानी करवाऊंगा, घर घर टोंटी लगवाऊंगा। और गांव में जो भी तुम्हारी व्यवस्था नहीं है वो व्यवस्था पूरी करवाऊंगा। सड़क की रुपया मिल रही है, उसमें गरीब आदमी की पूर्ति नहीं हो रही है। हमारे पास इतने पैसे होते तो हम कोटेशन पहले ही बनवा लेते, उसमें नहीं, महंगाई बहुत हो रही है।